ऐसे दिल्ली के कुछ पंछी आए हैं, चुनाव में रहेंगे, चुनाव के बाद वापस उड़कर चले जाएंगे। इसी यात्रा में एक पड़ाव के रूप में ये गुजरात का चुनाव है, जो चुनाव फिर एक बार दुनिया को बताएगा कि मोदी जी के ऊपर पिछले 2017 से दुगना प्यार अब गुजरात की जनता करती है, और इसलिए यहां पर एक अभूतपूर्व ऐसा विजय हमको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अभी केवल चुनाव में कांग्रेस नहीं है, कुछ नए लोग भी आए हैं, है ना, कुछ दिल्ली वाले आए हैं ना। अरे भैया, आपको पता है साइबेरिया नाम का एक देश है, ये साइबेरिया में बहुत सर्दी होती है, बहुत ठंड गिरती है, और जब साइबेरिया में ठंड होती है तो बर्फ जम जाता है, तो वहां के पंछियों को अनाज नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो ये सारे पंछी उड़कर आते हैं मुंबई और सूरत में, और दो तीन महीने यहां रहते हैं, और जैसे वहां बर्फ पिघलती है, वहां गर्मी होती है, तो ये साइबेरिया के पंछी वापस साइबेरिया चले जाते हैं। ऐसे दिल्ली के कुछ पंछी आए हैं, चुनाव में रहेंगे, चुनाव के बाद वापस उड़कर चले जाएंगे। देखो, ये पंछी गोवा में भी आए थे, मैं गोवा का इंचार्ज था, ऐसे ही बड़े बड़े वादे, ऐसे ही ये कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमका कार्ड, और किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हमारी गोवा की जनता इतनी होशियार है, इनके मुख्यमंत्री का डिपॉजिट जब्त कर दिया, इनको पूरा पैक कर दिया और इनको वापिस भेज दिया। मैं गुजरात की जनता को भी यही कहने के लिए आया हूं, ये झूठे लोग आए हैं, आप भी इनको पैक करिए, अच्छे से पैक करिए और कुरियर से वापस भेज दीजिए दिल्ली में जहां से आए हैं। और इतना ही कहना चाहता हूं, भाई दिल्ली के लोग हैं, ट्रेन से मत भेजना, पैक करके विमान में बैठा के वापस भेज देना, ताकि सुकून के साथ वो दिल्ली वापस जा पाए। ये इतने झूठे लोग हैं, देखिए ये सुबह उठते हैं तो पहला झूठ बोलते, नाश्ते से पहले दो झूठ बोलते, खाने से पहले तीन झूठ बोलते, रात के खाने से पहले चार झूठ बोलते, और फिर रात को बैठकर हिसाब लगाते हैं, फिर इनके ध्यान में आता है कोटा तो कंप्लीट नहीं हुआ, चलो कल थोड़े ज्यादा झूठ बोल देंगे। मैं तो कहता हूं ये किस प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति मरा और मर के ऊपर गया, तो अपन तो हिंदू धर्म में मानते हैं कि ऊपर जाने के बाद चित्रगुप्त बैठता है अपना हिसाब लेकर, कि भाई कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, एक तराजू लेकर तौलता है, अरे भाई इसका पुण्य 5 किलो है और पाप 7 किलो है, नरक में भेज दो, अरे भाई इसका पुण्य 7 किलो और पाप 5 किलो है, स्वर्ग में भेज दो, ऐसे तोला जाता है। तो ये व्यक्ति गया, तो इसके पाप पुण्य का हिसाब चल रहा था, ये बैठा हुआ था, उतने में एक घंटा बजी टंग। अरे बोले काहे की घंटा है? चित्रगुप्त ने बताया, मैं धरती पे पाप बढ़ रहा है तो मैंने अभी एक नियम किया है, भारत में कोई नेता अगर झूठ बोलता है तो मेरे यहां ये अलार्म बजता है टंग, 2 मिनट बाद फिर से टंग, 5 मिनट बाद फिर से टंग। बोले ये बहुत झूठ बोलना चल रहा है। 10 मिनट हुए और उसके बाद 10 मिनट के बाद एकदम टंग 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 टंग। अरे बोले अब क्या हो गया? चित्रगुप्त ने कहा शांति से बैठो भाई, केजरीवाल का भाषण चालू हुआ है, अब चिंता मत करो। तो ये सारे ऐसे लोग यहां पर आए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भला नहीं कर सकते। ये पंजाब के अंदर गए, पंजाब के लोग थोड़े भोले भाले, उन्होंने इनको वोट दे दिया, आज वहां की अवस्था देखिए, लोग सिर पीट रहे, वहां पर सरेआम दिन में लोगों को मार दिया जाता है, कर्फ्यू लग रहा है, वहां पर वारदातें हो रही है। और पंजाब में सबसे बुरी बात यह है, ये किसके साथ रिश्ता बनाकर बैठे? सारे के सारे अलगाववादियों के साथ रिश्ता बनाकर बैठे। जो लोग भारत से पंजाब को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाकर ये बैठे हैं। इसलिए कांग्रेस में और आप पार्टी में कोई फर्क नहीं है। एक कवि थे, उन्होंने अपनी कविता में कहा था, उसको यथार्थ में मत ले लेना, पर बोले नागराज गए और सापराज आए, नागराज गए और सापराज आए,
वो पहले फुफकारते थे फिर डसते थे, ये पहले डसते हैं फिर फुफकारते हैं। इसी प्रकार यानी मैं किसी को नाग नहीं बोल रहा हूं, किसी को सांप नहीं बोल रहा हूं, ये तो हमारे मीडिया के लोग बोलेंगे देखो कांग्रेस और आपको इन्होंने सांप और नाग बोला। मैं केवल उदाहरण बता रहा हूं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सब सरीके है। और इसलिए हमको तो मोदी जी के साथ और मोदी जी के पीछे खड़ा होना है, और यहां तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अब झोली में कितने वोट गिरने वाले हैं वो गिनना है, और एक नया रिकॉर्ड कैसे तैयार होगा। जैसे मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि भूपेंद्र भाई तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और ये बात सही है कि इस बार तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। और मैंने भी ऐसे मजाक में कहा, मैंने कहा मैं क्यों आया हूं, तो मैंने कहा नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भूपेंद्र भाई की सरकार बने, इसलिए देवेंद्र भाई मुंबई से आए हैं। तब अमूल भाई को इतने वोट दीजिए कि गिनते गिनते थक जाए, इतने वोट दीजिए कि गिनते गिनते थक जाए, और फिर एक बार मणिनगर जो है वो प्रधानमंत्री जी को क्या भेंट दे सकता है, तो रिकॉर्ड वोटों से जीती हुई सीट, ये प्रधानमंत्री जी को आप भेंट दीजिए। इतना ही निवेदन आपसे करता हूं, आप सबने बहुत संतोष के साथ मेरी बात सुनी म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद।